हेलो एवरीवन, दिस इज जीवन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चेक टू लर्न। आज के इस वीडियो में देखने वाले हाउ टू यूज फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। तो उसके लिए मैंने सिंपली यहां पे कंपोनेंट क्रिएट किया जिसका नाम है फॉर्म डॉट जेएस, उसे मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। एंड ये हमारा फॉर्म डॉट जेएस नाम का कंपोनेंट है जिससे मैं अभी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा। अगर मैं यहां पे रिटर्न करूंगा हेलो, तो चेक दैट कि हमारा ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। यू कैन सी यहां पे हमारे पास वैल्यू आ रही है हेलो। नाउ अब इस कंपोनेंट को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं इनटू फॉर्म कंपोनेंट। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे फॉर्म टैग को। जैसा कि हम अपने HTML के अंदर यूज करते हैं फॉर्म टैग टू क्रिएट फॉर्म्स, उसी वे में हम यहाँ पे यूज करने वाले फॉर्म टैग टू क्रिएट फॉर्म्स इन रिएक्ट। सो यहाँ पे सिंपली मैंने क्रिएट किया एक फॉर्म टैग, एंड फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स होती है लाइक इनपुट टैग्स, टेक्स्ट एरिया टैग्स, सेलेक्ट टैग्स एंड मेनी मोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनपुट टैग्स आखिर कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा इनपुट, एंड उस इनपुट को मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, एंड या फिर मैं सिंपली इनपुट को यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ चुकी है, एंड उस इनपुट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू रिसीव हो रही है। बट अभी जो ये इनपुट वर्क कर रहा है वो वर्क कर रहा है एज HTML फॉर्म, बट हम चाहते हैं कि हमारे रिएक्ट के अंदर जो भी फॉर्म होगा उसे कंट्रोल करे हमारा ये फॉर्म कंपोनेंट। अभी जो इसकी वैल्यू है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, HTML का स्टेट, जो HTML की बाय डिफॉल्ट स्टेट होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, एंड देन मैं से कंट्रोल शिफ्ट आई कंसोल को ओपन कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट लेट मी ओपन दिस इनपुट। जब मैं इस इनपुट को सिलेक्ट करूंगा एंड देन इस इनपुट को अगर मैं ओपन करूंगा इन यूज इन कंसोल, यू कैन सी हियर हमारे पास इसका नाम जो है बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर ने रखा है temp zero। इस temp zero की जो वैल्यू है वो है हमारे इनपुट की वैल्यू। नाउ अगर यहाँ से हम कुछ डाटा को रिसीव करेंगे लाइक वैल्यू डाटा को मैं ऐसे चाहता हूँ कि रिसीव करूँ, तो जब मैं इस वैल्यू को कॉल करूंगा यू कैन सी हियर हमारे पास जो इनपुट के अंदर वैल्यू है वो आ रहा है। अगर मैं इसमें अटैच कर देता हूँ मिश्रा, फिर से मैं अगर वैल्यू को कॉल करूंगा यू कैन सी कि temp zero डॉट वैल्यू की आ रही है हमारे पास जीवन मिश्रा, विच मीन्स कि जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है, उसे कोई ना कोई हमारे HTML के अंदर कुछ ना कुछ स्टेट है जो कंटेन करती है इन सभी इनपुट की वैल्यू को। बट हम चाहते हैं कि हमारे रिएक्ट का कंपोनेंट ही कंटेन करे ये सभी वैल्यू। फॉर डैट हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सिंपल सा HTML का फॉर्म है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कंट्रोल्ड फॉर्म या फिर कंट्रोल्ड कंपोनेंट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट होती है जो फॉर्म को हैंडल करता है जैसा वो हम एज अ यूजर चाहते हैं। सो फॉर डैट अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम अपने जो हमारा इनपुट बॉक्स है नॉर्मल सा इनपुट बॉक्स उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू कंट्रोल्ड इनपुट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर डैट कि हम जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा उसे हम रिसीव कर सकते हैं, उसे हम स्टोर कर सकते हैं इन रन टाइम। फॉर डैट हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टेट हुक, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो है फंक्शनल कंपोनेंट। सो इसके लिए अभी हम करेंगे const, और मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखता हूँ फॉर्म डाटा। हमारी स्टेट का नाम क्या होगा, फॉर्म डाटा, एंड मैं इसको सेट करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगा सेट फॉर्म डाटा। ये हमारा बेसिकली स्टेट होगा, ये हमारा स्टेट को चेंज करने वाला फंक्शन होगा, एंड इसको यूज करने के लिए हम सिंपली कॉल करेंगे यूज स्टेट हुक। सो यूज स्टेट हुक को हमने ऑटो इम्पोर्ट कर लिया, यू कैन सी हियर, एंड इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है मैं अभी नल पास कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। अब क्या करूंगा, मैं सिंपली जो हमारा इनपुट है उसको मैं कोई ना कोई वैल्यू पास करूंगा। इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे पास कर सकते हो लाइक मैं अगर यहाँ पे पास करूँ जीवन, यू कैन सी अगर मैं इसे सेव करूंगा यू कैन सी यहाँ पे जीवन की वैल्यू आ रही है। बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हो वो रन टाइम पे हमारे स्टेट से वैल्यू आए एंड इसके अंदर स्टोर हो जाए। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म जो हमारा फॉर्म डाटा नाम का स्टेट है उससे वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। सो लेट्स एज्यूम कि हमारे फॉर्म डाटा के अंदर मल्टीपल वैल्यू है, तो उसके लिए मैं इसे क्या करूंगा एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्म डाटा डॉट जो हमारी इनपुट बॉक्स है ये, इस इनपुट बॉक्स को मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि ये हमारा इनपुट बॉक्स नेम की वैल्यू को रिसीव करेगा, तो मैं इसका स्टेट का भी नाम सिंपली रखूंगा नेम, या फिर बाय डिफॉल्ट इसे आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप पास कर सकते हो लाइक दिस नेम नल। मैं सेव करूंगा तो ये हमारी वार्निंग जो थी यहाँ से रिमूव हो चुकी होगी, या फिर मैं यहाँ पे सिंपली नेम की वैल्यू भी पास कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट इज जीवन, तो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, यू कैन सी हियर इनिशियल वैल्यू जीवन। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी
और ये हमारा पहला स्टेप है टू कन्वर्ट आवर सिंपल फॉर्म इनटू कंट्रोल्ड फॉर्म कंपोनेंट। नाउ अभी अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू को टाइप करने की कोशिश करूंगा, यू कैन सी हियर कि मैं कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस पे ट्राई कर रहा हूं कुछ वैल्यू टाइप करने का, बट ये वैल्यू टाइप नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया इंटू आवर ऑन कंपोनेंट, इंटू आवर ऑन फॉर्म कंट्रोल्ड कंपोनेंट। इसको कन्वर्ट करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक इवेंट होता है, उस इवेंट को स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो हमारे पास इवेंट क्या है, उसका नाम है ऑन चेंज इवेंट हैंडलर। सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ऑन चेंज इवेंट हैंडलर और मैं इसमें लिखूंगा नेम चेंज हैंडलर। सो इसे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में ताकि आपको काफी सिंपली ये दिखाई पड़े ऑन आवर स्क्रीन। यू कैन सी हियर हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम ऑन चेंज इवेंट, उसके लिए पास कर रहा हूँ नेम चेंज हैंडलर। बट अगर मैं इसे सभी सेव करूंगा तो यू कैन सी हमारे पास एरर आएगी कि चेंज हैंडलर जो है हमारे पास नेम चेंज हैंडलर वो डिफाइन नहीं है। उसको डिफाइन करने के लिए सिंपली मैं पे क्रिएट करूंगा कॉन्स्ट चेंज जो हमारा नेम चेंज हैंडलर है उसे एज अ एरो फंक्शन। नाउ अब ये जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा टू चेंज द डाटा, जो डाटा यूजर पास करेगा उसको चेंज करेगा इस फॉर्म डाटा के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास बाई डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी आती है आर्गूमेंट की वो हमारे पास होती है इवेंट। सो एक मैं इवेंट आर्गुमेंट रिसीव कर रहा हूँ या फिर सिंपली आप इसे कह सकते हो ई आर्गुमेंट एन। इस डाटा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेट फॉर्म डाटा को कॉल करने वाले यहाँ से, जो हमारे पास एक मेथड है। तो मैं भी कॉपी करता हूँ इसको एंड देन मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेट फॉर्म डाटा टू चेंज आवर स्टेट वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जो हमारी स्टेट की करंट वैल्यू है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा स्टेट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करूंगा स्टेट की करंट वैल्यू एंड देन मैं चेंज करूंगा हमारी नेम की वैल्यू, जो हमारे पास नेम की वैल्यू है। मैं पास क्या करना हूँ यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। सो जब भी हम किसी फॉर्म के अंदर यूजर कोई वैल्यू को सेलेक्ट करता है एंड कोई टाइप करता है वैल्यू, तो क्या होता है कि इवेंट डॉट टारगेट को स्ट्राइक करता है एंड इवेंट डॉट टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होती है लाइक इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, event.target.name। so, जितने भी इसकी प्रॉपर्टी होगी उन सब को हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम event.target। टारगेट मीन्स पर्टिकुलर जो इनपुट बॉक्स है, इसको अभी यूजर ने सेलेक्ट किया है वो होता है event.target एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है लाइक वैल्यू प्रॉपर्टी या फिर ऑन चेंज प्रॉपर्टी या फिर प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी या फिर नेम प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी एड करके उसे आप कॉल कर सकते हो फ्रॉम event.target.value या फिर event.target.name, event.target. Whatever, जो भी आप प्रॉपर्टी पास करके उसे आप कॉल कर सकते हो फ्रॉम इवेंट डॉट टारगेट डॉट दैट थिंग। सो यहाँ पे हमने सिंपली कॉल किया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है इवेंट, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है एज ए लिया है हमारी आर्गुमेंट को, तो मैं यहाँ पे सिंपली कहूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब अगर इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं स्पेस पास कर रहा हूँ, मिश्रा राइट कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर कि हमारी इनपुट बॉक्स परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ थोड़ा सा मैं इसे और कस्टमाइज करता हूँ, मैं इसे सिंपली एक डिव को क्रिएट करता हूँ एंड उस डिव के अंदर मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सबसे पहले लेबल को, बिकॉज मैं यहाँ पे लेबल ऐड कर देता हूँ नेम एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमारी वैल्यू है। तो इसे मैं सेव करता हूँ, यू कैन सी हियर कि हमारे पास नेम आ चुका है एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यू कैन सी हियर कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी कुछ नहीं आ रही नल। इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ लाइक प्लेस होल्डर, ये सब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे चाहते हो अपने कस्टमाइज करना अपने डिजाइन को। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लेस होल्डर देता हूँ कि योर नेम, यू कैन सी हमारे पास प्लेस होल्डर आ चुका है योर नेम एंड नाउ यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ जो भी हमारे पास है जीवन मिश्रा एंड वट एवर, जो भी यूजर आए आपकी वैल्यू को पास करना वो वैल्यू को पास कर सकता है। नाउ अब हमने क्या किया, हमारी स्टेट को क्रिएट किया, हमने इसको कंट्रोल किया एंड इस वैल्यू को भी हम यूज कर सकते हैं लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिंपली तो मैं पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ एंड यू या फिर मैं कहता हूँ योर नेम इज, फॉर्म डाटा डॉट नेम। सो जब भी रन टाइम पे कोई यूजर अभी वैल्यू को टाइप करेगा लाइक यू कैन सी हियर जीवन, तो ये रन टाइम पे वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हमारी एडवांटेज होती है हमारी खुद की फॉर्म को क्रिएट करने का, हमारी कंट्रोल कंपोनेंट को क्रिएट करने का, जिससे हम क्या कर सकते हैं हमारे इस फॉर्म के ऊपर
वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कोई भी यूजर अगर वैल्यू को पास कर रहा है, अगर उसकी लेंथ 3 से कम है तो वो नेम को रिसीव ना करे। अगर कोई यूजर फोन की वैल्यू पास कर रहा है, फोन नंबर, तो उसकी ऊपर जो वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हो वो ऐड कर सकते हो। नाउ मैं इसे सिंपली यहां से रिमूव करता हूं। मैं अभी क्रिएट करने वाला हूं एक और कंपोनेंट, तो मैं करता हूं div, सेम मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं एक लेबल। अभी मैं करता हूं इसको सिंपली अब नेम, और इसको मैं कह देता हूं ईमेल, एंड दैट्स इट। मैं अभी कॉल करूंगा अभी एक इनपुट बॉक्स को, टाइप देता हूं मैं इसकी, टाइप इज नाउ। इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। अब जो हमारे पास ये आ चुकी है, यू कैन सी हियर कि मैं इसे सेव करता हूं, एंड हमारे पास एक और इनपुट बॉक्स आ चुके हैं ईमेल के लिए, जहां पे हम ईमेल की वैल्यू को पास कर सकते हैं। नाउ प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, तो यहां पे हम ईमेल को पास कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली कॉल कर सकते हैं ऑन चेंज हैंडलर, सेम वे इसको भी हमें पास करना पड़ेगा ऑन चेंज हैंडलर। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूं वैल्यू, अभी जो वर्क कर रहा है ये वर्क कर रहा है एज सिंपल एचटीएमएल फॉर्म, बट इसको भी हम ऐड करेंगे ऑन चेंज हैंडलर, एंड इसको हम पास करेंगे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी जो हमारी स्टेट को मैनेज करेगा। सो वैल्यू के अंदर क्या पास करेंगे, फॉर्म डाटा डॉट ईमेल जो भी हम सिंपली यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी क्रिएट करता हूँ ईमेल, दैट्स इट, हमारे ईमेल का नाम क्रिएट हो चुका है। सो अभी जो हमारा ऑन चेंज है इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास नहीं करी, तो ऑन चेंज के अंदर मैं पास करूंगा सेट या फिर ईमेल चेंज हैंडलर। सो यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है कि जब भी हम डिफरेंट इनपुट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर फॉर्म के डाटा को इनपुट लेने के लिए कुछ टैग्स क्रिएट कर रहे हैं लाइक इनपुट बॉक्स, या फिर हम अगर क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया या फिर सिलेक्शन, तो हम हर अलग अलग इनपुट बॉक्स के लिए हम पास कर रहे हैं डिफरेंट ऑन चेंज फंक्शन। उसके लिए हमें डिफरेंट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली दिखाता हूँ आपको। ये एक ईजिएस्ट वे है, बट फिर भी इसकी एक और तरीका है कि इसे सिंपली सिटी के साथ कैसे हम यूज कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो अभी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ईमेल चेंज हैंडलर को, एंड इसके अंदर भी मैं पास करता हूँ ई, एंड देन इस फंक्शन में क्या करूंगा, मैं करूंगा सेट फॉर्म डाटा, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि फॉर्म डाटा के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसे हम चेंज करें। सो सेम वे स्पीड ऑपरेटर को हम यहाँ पे कॉल करेंगे फॉर्म डाटा, एंड देन हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, ईमेल की वैल्यू। सो ईमेल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो भी होगी उसको हम चेंज करेंगे विथ करंट वैल्यू जो हमारे पास आएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव दिस, एंड यू कैन सी कि अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे तो अब हमारे पास वो वैल्यू ले रहा है इनपुट की तरह। सो अभी हमने क्या किया, हमने सिंपल सा दो इनपुट बॉक्स क्रिएट किया, एक हमने क्रिएट किया नेम के लिए, दूसरा हमने क्रिएट किया ईमेल के लिए। तो डिफरेंट इनपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन को क्रिएट करना पड़ा ऑन चेंज के लिए। इस चीज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय एडिंग वन मोर प्रॉपर्टी। तो अगर हम आप चाहते हैं कि इसी तरह से मिनिमाइज करने के लिए आप सिंपली एक फंक्शन की हेल्प से अगर इस फॉर्म को हैंडल करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट बॉक्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो लाइक नेम प्रॉपर्टी। जब भी आप नेम प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा सेम नेम एज द स्टेट नेम जो हमारे स्टेट का नाम है लाइक ईमेल नेम। सो ईमेल, अभी हमारे नेम के लिए हमारे पास नेम प्रॉपर्टी क्या होगी, नेम। हमारे ईमेल के लिए नेम प्रॉपर्टी क्या होगी, ईमेल जो हमारी स्टेट की नेम की है सेम वे। तो अब क्या कर सकते हैं हम सिंपली, अगर मैं इसे रिमूव करूं तो मैं अभी कर देता हूं रिमूव दिस। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ चेंज हैंडलर, मतलब सेम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ टू यूज आवर इनपुट बॉक्स फॉर नेम, एंड सेम फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ टू यूज आवर ऑन चेंज हैंडलर टू चेंज आवर ईमेल इनपुट। तो उसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को मैं एक फंक्शन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, एंड जो हमारे फंक्शन है उसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारा है चेंज हैंडलर। सो अभी हमारे पास ई वैल्यू आ रही है। नाउ अगर हम इसको अभी देखेंगे इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, तो यू कैन सी हमारे पास ये इनपुट वर्क कर रहा है, बट यू कैन सी कि हम जो ईमेल के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं वही वैल्यू पास हो रही है हमारे नेम के अंदर भी, क्योंकि जब भी हम कॉल करते हैं चेंज हैंडलर को तो वो हमेशा चेंज कर रहा है किसकी वैल्यू को, स्टेट के अंदर से जो हमारा ये स्टेट है उसके अंदर से सिर्फ नेम की वैल्यू को। बट हम क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर अगर कोई यूजर
नेम के ऊपर टारगेट करे तो वो नेम की स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज करे, अगर कोई यूजर ईमेल पे स्ट्राइक करे तो वो ईमेल की वैल्यू को चेंज करे फ्रॉम स्टेट। सो फॉर डैट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम उसके लिए अभी करेंगे सिंपली हमारे पास एक और तरीका होता है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इवेंट डॉट टारगेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हम रिसीव कर सकते हैं जब भी कोई यूजर पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करेगा। लाइक अगर वो नेम इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करेगा तो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लाइक नेम प्रॉपर्टी या फिर वैल्यू प्रॉपर्टी को हम रिसीव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और तरीका होता है सिंपली, सब मैं क्या करूँगा, एक ब्रेसेस के अंदर जो हमारे पास ब्रेसेस होती है उसके अंदर सिंपली आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। सो अभी जो यूजर पर्टिकुलर किसी नेम किसी भी पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स पर स्ट्राइक करेगा या फिर सेलेक्ट करेगा तो उसका जो पर्टिकुलर नेम है उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। सो पर्टिकुलर नेम जो हमने ऐड किया है, नेम के लिए हमने नेम ऐड किया है एंड ईमेल के लिए हमने ईमेल ऐड किया है जो कि हमारा सेम है एज ए स्टेट नेम। सो अगर मैं इसे अब सेव करता हूँ तो यू कैन सी कि हमारी जो ईमेल की इनपुट बॉक्स है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है, जीवन मिश्रा। यू कैन सी यार हमारे मेरा इनपुट है, मेरा ईमेल का इनपुट है एंड सेम वे अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इनटू नेम तो मैं सिंपली पास कर सकता हूँ जीवन मिश्रा। यहाँ पे मैं एक वार्निंग भी आ रही है, यू कैन सी यार रेड कलर में कि अभी आपको यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी ईमेल की एड्रेस को। तो जीवन मिश्रा 7@gmail.com तो ये हमारी इनपुट मेल अभी हो चुकी है। सो ये था हमारा सिंपल सा फॉर्म को कैसे हम हैंडल करेंगे इन रिएक्ट जेएस। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कैसे हम ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर को हैंडल करेंगे इनटू फॉर्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।